हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर जयस बायोलॉजी, डॉक्टर जयस द पीनियल थर्ड आई ऑफ बायोलॉजी। और हम आज लर्न करने वाले हैं अबाउट द टेरिडोफाइट्स, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें आप लोगों ने एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा। और आज हम जिन प्लांट स्पीशीज के ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की अगर हैबिटेट की बात करें, हम ऑलवेज शुरुआत हैबिटेट से करते हैं, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो प्लांट स्पीशीज का ग्रुप है उसके जो भी मेंबर्स हैं वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, कौन से एरियाज हैं, कौन सी लोकेलिटीज है, रीजन से जो उनको ज़्यादा पसंद है, इस रीजन में वो ज़्यादा एडप्टेड है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो मोस्टली अगर हम हैबिटेट की बात करें तो टेरिडोफाइट्स को कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस ही ज़्यादा पसंद है, जैसे ब्रायोफाइट्स को पसंद है। कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, इसका मतलब है बड़े ट्रीज की शेड के नीचे मोस्टली ये डेवलप होना पसंद करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा ना आए तो ज़्यादा बेटर है टेरिडोफाइट्स के लिए, और सैंडी सॉइल उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सैंडी सॉइल के अंदर इनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। मेन इम्पोर्टेंट अगर हम फीचर्स देखें टेरिडोफाइट्स के, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने लायक अगर कुछ हो तो वो ये है, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो फुल्ली लैंड पे रहने के लिए अडेप्टेड है, और ये पहले ऐसे प्लांट है जो जाइलम और फ्लोएम नाम की वास्कुलर टिश्यू फॉर्म कर पाए। सबसे पहले अगर किसी प्लांट्स के ग्रुप में जाइलम और फ्लोएम फॉर्म हुई तो वो थे टेरिडोफाइट्स। आप सब जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स और एल्गी में तो रूट्स, स्टेम और इवन लीव्स तक नहीं थे। ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है और ट्रू आपको रूट्स देखने को मिलते हैं। तो रूट्स, लीव्स एंड स्टेम तीनों आपको इस प्लांट्स में देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली अगर स्टेम प्रॉपरली डेवलप है तो उसमें जाइलम और फ्लोएम भी होगी, जो वास्कुलर टिश्यू है। जाइलम आप सब जानते हैं कि मिनरल्स एंड दी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, और फ्लोएम फॉर दी फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो इवोल्यूशन है ये, वास्कुलर टिश्यू कैसे इवोल्यूट हुई। ब्रायोफाइट्स अगर एल्गी को हम देखें तो ये चीज़ें इनमें नहीं थी। नेचर ने शुरुआत में एल्गी को फॉर्म किया और वो एकदम बेसिक थी। धीरे धीरे एल्गल ऑर्गेनिजम्स को एक्सपीरियंस हुआ अर्थ के एनवायरनमेंट का, वो उनसे अडप्ट हुए, और धीरे धीरे उन्होंने समय को ध्यान में रखते हुए, और चेंजेस करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, नेसेसिटी है, ये समझते हुए खुद को बदला। और माना जाता है कि एल्गी का डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स में हुआ, ब्रायोफाइट्स इवोल्यूट हुए और टेरिडोफाइट्स बन गए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें यही समझा रही है कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। बदलना तो हमें पड़ेगा तभी हम टिक सकते हैं इस एनवायरनमेंट पे, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो बचाए रख सकते हैं अर्थ पे। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ मोस्टली यूज होते। तो मेडिसिनल पर्पस से काफ़ी सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं। इवन इनमें से काफ़ी सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनका लुक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है और बहुत अच्छा है। आप ज़रा यहाँ देखें ये कितने सुंदर दिखते हैं, और ये जो टेरिडोफाइट्स है वो मोस्टली गार्डनर्स की पहली पसंद रहती है। टेरिडोफाइट्स जो है वो गार्डनर की चॉइस है, वो मोस्टली गार्डन फॉर्म करने के लिए स्पीशीज को जो यूज़ करता है उनमें से टेरिडोफाइट्स भी होते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स अपने रूट्स के ज़रिए जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और उसी रीज़न से जब बारिश होती है तब सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो बाकी सारे प्लांट्स की तरह टेरिडोफाइट्स भी सॉइल बाइंडर है। तो ये हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से टेरिडोफाइट्स इवोल्यूट हुए, हैबिटेट क्या है, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। टेरिडोफाइट्स दो ग्रुप्स में जनरली क्लासिफाइड होते हैं, हॉर्स टेल एंड द फर्न्स। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स की पढ़ी, और जैसे आप जानते हैं कि अब हम पढ़ेंगे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइट,
जैसे मैं आप सबको बता चुका हूँ, ये पहले ऐसे प्लांट है जिन्होंने ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड द लीव्स का फॉर्मेशन किया। ये प्लांट्स के अंदर लीव्स, रूट्स एंड स्टेम ट्रूली देखने को मिलते हैं, और जो रूट्स और स्टेम और लीव्स है वो एक्चुअल में स्पोरोफाइट नाम की प्लांट बॉडी का हिस्सा है। इसका मतलब आप समझिए कि टेरिडोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है जिन प्लांट बॉडी से, उनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। वापिस से एक बार याद रखिए कि स्पोरोफाइट का मतलब होता है वो प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो जो प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और जो गैमेट्स फॉर्म करती है वो गैमेटोफाइट। तो ये जो रूट्स और स्टेम है वो एक्चुअल में टेरिडोफाइट की स्पोरोफाइट का हिस्सा है। इसका मतलब है रूट और स्टेम और लीव्स पजेसिंग जो प्लांट बॉडी है उसी बॉडी को यूज करते हुए टेरिडोफाइट अपने स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। हम रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में समझेंगे ये चीज़। दूसरा, हम ये भी चीज़ समझ चुके हैं, ये पहले ऐसे प्लांट है जिनके पास वास्कुलर टिश्यू है और वो भी वेल डिफरेंशिएटेड। आप क्लियर कट जाइलम एंड फ्लोएम को देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें हमने सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम को ऑब्जर्व किया। ये इवोल्यूशन का नतीजा है, ब्रायोफाइट्स में ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता था। अब बात करते हैं इनके लीव्स के स्ट्रक्चर की, मतलब लीव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में ऐसे भी कुछ स्पीशीज का ग्रुप है जिनके लीव्स छोटे छोटे होते, स्मॉल लीव्स जिनमें पाए जाते, जैसे कि शेला जिनेला। शेला जिनेला नाम का जो टेरिडोफाइट है उसके लीव्स काफी स्मॉल होते, काफी छोटे होते हैं। जबकि यहां फर्न्स को देखिए, इनके लीव्स काफी बड़े दिख रहे हैं हमें साइज में। तो दो वेराइटी है, छोटे लीव्स, बड़े लीव्स, स्मॉल लीव्स, एग्जाम्पल शेला जिनेला, लार्ज लीव्स, एग्जाम्पल फर्न्स। दूसरा एक और आपको यहाँ पर नोट करना है वो ये देखिए, मैंने स्मॉल लीव्स को नाम दिया है माइक्रोफिल्स, जबकि लार्ज को हमने नाम दिया है मैक्रोफिल। तो स्मॉल एंड लार्ज लीव्स के लिए अलग से वर्ड है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और फील्स का मतलब होता है लीफ लाइक और लीव्स से जुड़ा हुआ, रिलेटेड विद द लीफ। तो फील्स वर्ड जो है वो लीफ से आया है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। तो ये हमने बॉडी स्ट्रक्चर देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि इनके पास जाइलम फ्लोएम जैसी वास्कुलर टिश्यू है और ट्रू रूट्स और स्टेम एंड लीव्स हैं, और ये भी देखा कि इनमें स्मॉल लीव्स कंटेनिंग स्पीशीज भी है और लार्ज लीव्स कंटेनिंग स्पीशीज भी है। अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज की, जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज मतलब कि स्पोर फॉर्मेट करने वाला स्टेज, जहां पर स्पोर फॉर्म होता है वो स्टेज। टेरिडोफाइट्स अगेन सीड्स तो नहीं बना पा रहे हैं, भले उन्होंने इवोल्यूशन किया, जाइलम फ्लोएम फॉर्म कर ली, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स फॉर्म कर लिए, पर अब भी वो सीड्स फॉर्म नहीं कर पा रहे और ना फ्रूट्स प्रोडक्शन कर पा रहे। तो अल्टीमेटली उनको स्पोर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और यही स्पोर्स जर्मिनेट होने पर नए प्लांट्स को फॉर्म करते हैं, और ये स्पोर फॉर्म करने वाले प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि ये प्लांट स्पोर का प्रोडक्शन कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें मैच्योर टेरिडोफाइट दिखाया है। ऑलवेज रिप्रोडक्शन तभी शुरू कर सकता है कोई ऑर्गेनिज्म जब वो मैच्योर हो जाए। तो टेरिडोफाइट्स मैच्योर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए इस फिगर में टेरिडोफाइट्स जो मैंने दिखाए हैं वो मैच्योर हैं, और अब वो स्पोर प्रोडक्शन शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, जो फिगर में बड़ा सा लीफ दिख रहा है। इस लीफ लाइक अपेंडेजिस को हम स्पोरोफिल कहेंगे। देखिए, तो लीफ लाइक अपेंडेजिस को यहाँ स्पोरोफिल्स कहा गया है। ये जो लीफ आपको दिख रहा है उसको स्पोरोफिल क्यों कहा गया, क्योंकि फिल का मतलब होता है लीफ रिलेटेड विद, और स्पोरो का मतलब होता है जो स्पोर फॉर्म करेगा। तो क्यों ये वर्ड आया आप जानते हैं अब,
स्पोरो मतलब ये स्पोर प्रोड्यूस करने वाला है, और फील्स मतलब कि ये लीफ लाइक है, तो इसलिए वर्ड बन गया स्पोरोफिल। तो ये जो लीफ लाइक अपेंडेजिस हमें फिगर में दिख रहा है उसका नाम स्पोरोफिल्स है, मतलब कि स्पोर बनाने वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो स्पोर प्रोडक्शन कर सकता है, तभी तो हमने इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल नाम दिया, क्योंकि ये स्पोर बनाने के लिए कैपेबल है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो स्पोर्स ये लीफ लाइक अपेंडेजिस में नहीं बनाती, उनके पास कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ देखिए शेला जिनेला और इक्विसेटम नाम के जो प्लांट्स है वो या तो स्ट्रॉबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी के लिए एक दूसरा वर्ड है कॉर्न्स फॉर्म करते हैं। ये रहे वो एग्जांपल, ये जो आपको दिख रहे फिगर में वो कॉर्न्स है, ये कॉर्न्स या स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं आप। तो स्पोर बनाने का काम इन कॉर्न्स में होगा। हमें ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये कॉर्न्स कैप्सूल का डेवलप्ड वर्जन हो। ब्रायोफाइट्स में आप लोगों ने देखा था कि सेट्टा नाम का छोटा सा थ्रेड बनता है और उसके ऊपर कैप्सूल लटक रही होती है, उस कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। हो सकता है इवोल्यूशन के जरिए यहाँ पर जो कैप्सूल्स हैं वो डेवलप होकर स्ट्रॉबेरी या तो कॉर्न्स बन चुकी हो, जैसे आइसक्रीम के कॉर्न को खाते वैसा इसका शेप है, कॉर्न लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसलिए हमने नाम कॉर्न्स दिया है। स्ट्रॉबेरी थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है या नेम है। या तो कॉर्न्स और स्ट्रॉबेरी में स्पोर्स बनेंगे जो सीड जैसा काम करेंगे, या तो फिर स्पोरोफिल नाम के स्ट्रक्चर में बनेंगे स्पोर्स। दो ऑप्शंस है। मोस्ट ऑफ जो स्पीशीज है टेरिडोफाइट्स की वो स्पोरोफिल्स के जरिए ही अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती हैं। बहुत कम है जो हाईली डेवलप्ड और इवोल्यूटेड है टेरिडोफाइट्स में, वही स्पीशीज स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स के जरिए स्पोर बनाती है। और उनमें कौन कौन सी है आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स के जरिए जो स्पोर प्रोडक्शन का काम करती हैं वो स्पीशीज है शेला जिनेला और इक्विसेटम। ये दोनों स्पीशीज में ऐसे कॉर्न्स फॉर्म होते हैं और यही कॉर्न्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी स्पोर प्रोडक्शन, और ये स्पोर्स सीड्स की तरह काम करते हैं। ये स्पोर्स जहाँ रुकते हैं और जर्मिनेट होते हैं वहाँ नया टेरिडोफाइट ग्रो होता है, ग्रोथ करता है और फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं ये कॉर्न्स या तो ये जो लीफ लाइक अपेंडेजिस है जहां पर स्पोर बनने वाले हैं, दोनों फिगर में हमें दिख रहे हैं, इनके अंदर ऐसा क्या है जो स्पोर बना रहा है? तो इनके अंदर कुछ सेल्स का ग्रुप है और उन सेल्स को हम नाम देंगे स्पोर मदर सेल्स, मतलब जिससे स्पोर बनने वाले है वो सेल्स। डेफिनेटली अगर जिस सेल के डिवीजन से स्पोर बनते हैं उसको आप मदर सेल्स कह सकते हैं, क्योंकि बेबीज ऑलवेज पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोर्स को अगर आप बेबीज कहते हैं तो वो जिस सेल्स के डिवीजन से प्रोड्यूस हुआ उसको हम स्पोर मदर सेल्स कहेंगे। तो बहुत सारे सेल्स का झुंड होगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपको डॉट्स दिख रहे छोटे छोटे, ये सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स आपको दिख रहे ये एक्चुअल में बहुत सारे सेल्स का यूनियन है। और इसमें कौन से सेल्स हैं? स्पोर मदर सेल्स, मतलब कि जो स्पोर बनाने वाले हैं वैसे सेल्स। मियोसिस नाम का डिवीजन करके स्पोर बनेंगे और इस पूरे बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स के यूनियन को हम नाम देंगे स्पोरेंजिया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्पोरेंजिया है और इसके अंदर क्या आया हुआ है, स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोर मदर सेल्स है जो एक्चुअल में यूनाइट होके क्या बना रहा है, स्पोरेंजिया। तो वापस मैं एरो कर देता हूं, यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड हम ऐसे रैंक दे देते हैं। बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स यूनाइट होके ग्रुप बनाएंगे, क्लस्टर फॉर्म करेंगे और उनके यूनियन को हम स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कहेंगे। और वो यहां हमें कहां दिख रही है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर इमेज में दिखाया है वो एक्चुअल में है स्पोरोफिल्स, मतलब लीफ लाइक अपेंडेजिस जो स्पोर बनाने के काम में जुड़ा हुआ है। फील्स मतलब लीफ लाइक अपेंडेजिस। तो ये स्पोरोफिल के अंदर ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्लस्टर है जिसको स्पोरेंजिया कहा और उसमें स्पोर मदर सेल्स आए हुए हैं। और यही सारी चीजें कॉर्न्स में भी होगी, कॉर्न्स में स्पोरेंजिया होगा वो भी स्पोर मदर सेल्स कंटेन करेगा।
यही सेल्स मियोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं और बहुत सारे स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बन चुके हैं, ये चीज़ जब डेवलप हो जाएगी तो इनसे बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होंगे, जैसे एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होती है। ठीक उसी तरीके से ये जो छोटे छोटे हमें सेल्स के क्लस्टर दिख रहे वो बाद में स्पोर्स के क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होगा, और ये सारे जो स्पोर्स है वो धीरे धीरे रिलीज होंगे और स्प्रेड होंगे, और एक एक स्पोर सीड की तरह काम करेगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन फॉर एन एग्जांपल मिल गई तो आप समझ लीजिए कि ये स्पोर्स में से नया प्लांट जनरेट होगा, नया बॉडी फॉर्म होगा। जैसे सीड को ज़मीन में डालने से नया प्लांट बॉडी फॉर्म होता है, ठीक उसी तरीके से एक नया प्लांट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इन स्पोर्स के जर्मिनेट होने से। अब देखिए यहाँ पर ये भी दिखाया है, वो जो नया प्लांट बॉडी फॉर्म होगा स्पोर के जर्मिनेट होने से वो बहुत छोटा होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब सीड जर्मिनेट होता है तब तो छोटा सा प्लांट फॉर्म होता है, छोटे छोटे रूट्स, स्मॉल लीव्स। वैसे यहाँ पर भी स्मॉल पर मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, मतलब आप आंखों से देख पाएंगे इस प्लांट को फॉर्म होते हुए। स्पोर्स को भले आप नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, सीड को हम आंखों से देख सकते हैं पर हम स्पोर्स को नहीं देख सकते, स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक है। पर स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो वो जो नया प्लांट फॉर्म होता है वो स्मॉल होता है पर मल्टी सेल्यूलर होता है, तो आप उसको देख पाएंगे। वो फ्री लिविंग भी है, उसके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल कंटेनिंग बॉडी है जिसकी वजह से वो फ्री लिविंग है, वो खुद म खुद सर्वाइव कर सकता है, वो डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, और वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खाना खुद बना सकता है, पर वो थैलोइड होता है। इसका मतलब टेरिडोफाइट शुरुआत से ही लीव्स या फिर रूट्स और स्टेम फॉर्म नहीं करते, वो शुरुआत में स्पोर के जर्मिनेट होने से वो छोटा प्लांट बॉडी जो फॉर्म करते हैं वो ब्रायोफाइट्स और एल्गी की तरह थैलोइड होगा, वो ना रूट होगा, वो ना लीफ होगा, ना वो स्टेम होगा, उसके पास स्टेम, रूट्स और लीव्स जैसा कुछ भी नहीं होगा। और उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे, एक स्पेशल वर्ड हम उसके लिए यूज करेंगे और वो है प्रोथेलस। थैलोइड और थैलस से वर्ड आया प्रो, थैलस के पहले का प्रिमिटिव प्रोथेलस, और ये चीज़ गैमेटोफाइट के नाम से जानी जाती है क्योंकि जब ये चीज़ मैच्योर होगी, जब ये प्लांट बॉडी मैच्योर होगा तो ये गैमेट प्रोडक्शन का काम करेगा। अब दिमाग में आपको ये आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस शो की है पर ये गैमेटोफाइट कैसे बनता है, स्पोर के जर्मिनेट होने से गैमेटोफाइटिक बॉडी जो जनरेट होता है वो होता कैसा है वो तो दिखाओ, तो वो हम नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं। चलिए आ चुके हम गैमेटोफाइट वाले स्टेज पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं, ये मैंने फॉर एन एग्जांपल एक छोटा सा स्पोर अपने फॉर्म करते हैं, तो ये स्पोर है फॉर एन एग्जांपल, ये स्पोर फॉर्म हो चुका है और ये स्पोर जर्मिनेट हो रहा है। जब ये जमीन के पास गया और सोइल में से उसको न्यूट्रिशन मिले, सनलाइट मिली और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, सारी फेवरेबल कंडीशन मिली और स्पोर जर्मिनेट हुआ। और जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होता है तो हमने जैसे अभी आगे पढ़ा, एक स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता है और उसको हम गैमेटोफाइटिक कहते हैं, और वो थैलोइड होता है। और वो स्ट्रक्चर ये रहा, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना स्ट्रक्चर ही सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट है, इतना स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब आप देखिए ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन दिख रहा है, बहुत ही फ्लैट दिख रहा है आपको फिगर में, ज़रा देखिए कितना पतला है। अब इसके पास ना लीव्स हैं, ना स्टेम है, ना रूट्स होते हैं। आपको दिख भले रहा है कि ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है पर एक्चुअल में इसके पास कोई ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और रूट्स नहीं है। अभी तक टेरिडोफाइट्स में कोई रूट्स, लीव्स और स्टेम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो बाद में होगा। स्पोर के जर्मिनेट होने से ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्मॉल होता है और प्रोथेलस होता है, मतलब ना रूट्स है, ना लीव्स है, ना स्टेम है। ये स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। और गेमेटोफाइट को ज्यादा पसंद है कूल, डैम और शेडी प्लेसेस, ये उसी एरिया में ग्रो हो सकते हैं।
मेजोरिटी टेरिडोफाइट्स का यूज काफी जगह पे किया जाता है, जैसे गार्डन बनाने के लिए, और आपके घर पे भी हो सकता है एक आध टेरिडोफाइट हो, पर आपने कभी भी गैमेटोफाइटिक स्टेज को इतने गौर से नहीं देखा होगा कि स्पोर के जर्मिनेट होने से ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर ना रूट कंटेन करता है, ना स्टेम कंटेन करता है, ना लीव्स कंटेन करता है, इसलिए हमने इसके लिए वर्ड थैलस यूज किया था। इस स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि ये आगे चल के गैमेट्स बनाता है, पर ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। बहुत शॉर्ट टाइम में ये तुरंत ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करने लगता है और फिर उनका फ्यूजन हो जाता है और ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे गायब हो जाता है, इसलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा देखा नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ है कि टेरिडोफाइट्स हर जगह देखने को नहीं मिलते। उसका रीज़न है कि टेरिडोफाइट्स भी ब्रायोफाइट्स की तरह अपने रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेड है। मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाने के लिए वाटर मीडियम होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजियंस। ये जो प्लांट स्पीशीज है वो कुछ ही जियोग्राफिकल रीजियंस में पाई जाती है जहाँ पर वाटर कंटेंट अवेलेबल हो, क्योंकि वाटर होगा तभी तो टेरिडोफाइट्स अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, मेल गैमेट्स को फीमेल के पास पहुँचाएंगे, तभी तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनके नए बेबीज फॉर्म होंगे फ्रॉम द स्पोर्स। तो ये रीज़न है कि क्यों ये सब जगह देखने को नहीं मिलते। अब जैसे आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट नाम क्यों दिया होगा, आप सब जानते हैं गैमेटोफाइट का मतलब भी होता है प्लांट का वो बॉडी स्ट्रक्चर जहाँ से गैमेट बनता है। तो स्पोर से सबसे पहले ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, और देख लीजिए ये वो हैप्लोइड है, यहाँ एन लिखा है, एन का मतलब हैप्लोइड, गैमेटोफाइट का मतलब है गैमेट बनाने वाला। तो डेफिनेटली गैमेट प्रोडक्शन करने के लिए इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जैसा आपने ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट्स में, मोसिस में पढ़ा था, ठीक वैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपने वहाँ पर पढ़ा था गैमेटोफाइटिक स्टेज में, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी सिमिलर आपको दिख रहा है। तो यही स्ट्रक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसको हम एंथेरिडिया कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसको हम आर्कियोगोनियम कहते हैं। ये दोनों इसी स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडिया और एंथेरिडियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्कियोगोनियम और आर्कियोगोनिया। जैसे ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, वैसे टेरिडोफाइट्स में इस प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडिया होगा। ह्यूमंस में जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में ओवरी होती है, वैसे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्कियोगोनिया होगा। ये दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये वाले स्ट्रक्चर में आए हुए हैं जिसको हमने गैमेटोफाइट नाम दिया। यही रीज़न है कि हम इस प्लांट स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट नाम देते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर गैमेट्स प्रोडक्शन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये किस तरीके से गैमेट्स बनाता है ज़रा देखते हैं। तो अब हम रिप्रोडक्शन टॉपिक पे आ चुके हैं, एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन ही चल रहा है, और रिप्रोडक्शन के अंदर अब हमें ये देखना है कि आगे प्रोसेसेस कैसे होगी। तो प्रोसेसेस कैसे होगी, बहुत सिंपल चीज़ है कि जो ये एंथेरिडिया है वो मेल है तो उससे मेल गैमेट बनेंगे जिसको स्पर्म सेल्स भी कहा जाता है, जो मेल गैमेट है एक्चुअल में। और आर्कियोगोनिया अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उससे ओवम बनेगा, मतलब कि एग सेल, फीमेल गैमेट। अब दोनों को फ्यूज होना है तो उसके लिए वाटर मीडियम होता है, वाटर के मीडियम से ये दोनों चीज़ें आपस में फ्यूज होगी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेंगे। और फिर क्या होता है ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होना होगा। मेल गैमेट्स को स्पर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और हम लोगों ने एक और नाम दिया था, याद करिए ब्रायोफाइट्स में, एंथरोजॉइट्स। एंथरोजॉइट्स मतलब क्या, एंथरोजॉइट्स मतलब मेल गैमेट, मतलब कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द स्पर्म सेल। ये जो एंथरोजॉइड है वो रिलीज होगा कहाँ से, तो मेल गैमेट कौन बनाता है, मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो करता है एंथेरिडिया। एंथेरिडिया
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो एंथेरोजोइड नाम का मेल गैमेट फॉर्म करेगा। अब इसको जाना किधर है? डेफिनेटली मेल गैमेट को पहुंचना होता है कहाँ? आर्कियोगोनियम के पास। ये पहुंच गया आर्कियोगोनियम के पास, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसके पास है एग सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास एग होगा, मतलब कि ओवम होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में अब फ्यूज हो गए। तो चलिए देखते हैं कैसे फ्यूज होते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, उससे जायगोट बनेगा। यहाँ पर फिगर में भी दिखाया है, देखिए ये फिगर इसीलिए तो रखी है। फिलहाल मैंने आपको समझाया था कि अगर हम स्पोर्स से शुरुआत करें तो देखिए बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पर बने थे, और स्पोर्स जैसे निकले और उनको अगर बेटर एनवायरनमेंट मिल जाता है तो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पोर्स थे, उसका जर्मिनेशन हुआ, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोगों ने प्रोथेलस नाम दिया था। ये और मैच्योर हुए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। इसमें जो आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे ये वाले, ये एक्चुअल में राइजोइड्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स में थे, क्योंकि इनके पास तो कोई ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम या लीव्स तो होते नहीं है। फिलहाल तो कोई रूट स्टेम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है नहीं। ये वाले स्ट्रक्चर को हमने फिलहाल नाम दिया था गैमेटोफाइट। याद करिए, अभी ही आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा गैमेटोफाइट, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया भी था, जो हैप्लोइड होता है। इसी के अंदर हम लोगों ने अभी ही देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड फीमेल। तो देखिए एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे स्पर्म सेल्स मतलब कि एंथ्रोजोइड बने, और आर्कियोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसने एग सेल को जन्म दिया, उससे एग सेल का प्रोडक्शन हुआ। अब ये एग और स्पर्म दोनों फ्यूज हो गए। अब कैसे फ्यूज हो गए? तो जैसे मैंने बताया कि ऑलवेज मेल गैमेट को ही फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ता है, ऑलवेज। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ क्लियर कट फिगर में ये हमें दिखाया गया है कि एंथेरिडियम से स्पर्म सेल्स जैसे फॉर्म हो जाते हैं, तो वो आर्कियोगोनियम का ये माउथ है, उस माउथ के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर उसका इंतज़ार एग सेल कर रहा है, और स्पर्म और एग या तो ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूजन से आप सब जानते हैं कि क्या फॉर्म होगा, जायगोट। स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, तो शुरुआत होती है जायगोट की। और जायगोट तो है यहाँ पर 2n, मतलब डिप्लोइड, मतलब यहाँ से डिप्लोइड साइकिल शुरू हो गई। अब तक सब कुछ हैप्लोइड था, देखिए स्पोर भी हैप्लोइड, गैमेटोफाइट भी हैप्लोइड, स्पर्म सेल्स भी हैप्लोइड, एग सेल्स भी हैप्लोइड, सब कुछ हैप्लोइड हैप्लोइड था, ये सब कुछ हैप्लोइड है। पर अचानक से ये स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जायगोट बनने पर डिप्लोइड कंडीशन शुरू हो गई, इसलिए इस कंडीशन को हम डिप्लोइड कह रहे फिलहाल। और डिप्लोइड कंडीशन शुरू होने का मतलब है गैमेटोफाइटिक स्टेज फिनिश हो गया और स्पोर बनाने का स्टेज, मतलब कि स्पोरोफाइटिक स्टेज की शुरुआत हो गई, क्योंकि जायगोट सबसे पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज को शो करता है। स्पोरोफाइटिक स्टेज का सबसे पहला अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो जायगोट है। कह सकते हैं कि जायगोट से ही स्पोरोफाइटिक स्टेज की शुरुआत होती है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक स्टेज या स्पोरोफाइट 2n मतलब कि डिप्लोइड होता है। हैप्लोइड और डिप्लोइड का मीनिंग मैंने आप लोगों को तब समझाया था जब ब्रायोफाइट चल रहा था। आप प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कर लीजिए, उसमें आपको हैप्लोइड डिप्लोइड का मीनिंग समझ आएगा। अब क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में जायगोट से सेटा और कैप्सूल्स फॉर्म होते हैं, फिर वो कैप्सूल्स में स्पोर बनते हैं। यहाँ कुछ डिफरेंट ही होने वाला है। ये जो जायगोट है वो बहुत सारे सेल्स को फॉर्म करता है, और वो सारे सेल्स, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया ही है कि जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। जायगोट से क्या फॉर्म होता है, जायगोट डिवाइड होने लगता है और जायगोट से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या फॉर्म करते हैं। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इससे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ नीचे की तरफ, जो आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये एक्चुअल में रूट है। अब पहली बार रूट का फॉर्मेशन हुआ टेरिडोफाइट में, ये तब होगा जब जायगोट बन जाएगा।
और जाइगोट से बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो गए और वो सेल्स में से कुछ सेल्स ये रूट बना रहे हैं, कुछ सेल्स देखे यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये जो मैं बता रहा हूँ रेड कलर से स्टेम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और ज़रा ऊपर की तरफ देखिए लीफ स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म होने लग गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जाइगोट में से जो बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं वही हमें क्या बना के देते हैं, रूट्स स्टेम एंड लीव्स, और इसी स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट कहते हैं, मतलब कि स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर जिससे बाद में मैच्योर होने के बाद स्पोर का प्रोडक्शन होगा। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर मैच्योर होने लगता है और आप देख लीजिए एकदम डेवलप प्लांट की तरह ये हो चुका है। यहाँ पर रूट्स भी फॉर्म हो चुके हैं, आप देखिए बहुत क्लियर कट हमें दिखाया है, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें और क्या फॉर्म करके दिखा दिया है, ऊपर की तरफ लीव्स भी इसके बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, तो लीव्स का फॉर्मेशन भी देखो हो चुका है। तो अब जो रूट्स और जो लीव्स फॉर्म हुए थे वो मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए हम कहेंगे कि स्पोरोफाइट मतलब ऐसा प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करता है वो अब मैच्योर हो चुका है, वो 2N होगा, अब वो डिप्लोइडी होगा। अब स्पोर बनाने की बारी शुरू हुई, अब बनेंगे स्पोर्स। तो इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ जो हम पढ़ चुके हैं सबसे शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था स्ट्रॉबेरी और कॉर्न, और हमने स्पोरोफिल को देखा था जिसके पीछे की तरफ छोटे 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 बहुत सारे सेल्स के क्लस्टर चिपके हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ से स्पोर बनते हैं। अब उसको यहाँ पर मर्ज कर दीजिए, और स्पोरेंजियम हमने उसके लिए वर्ड यूज़ किया था, स्पोरोफिल्स कॉर्न स्ट्रॉबेरी सब याद आपको आ रहा होगा, और फिर डिवीजन से फिर स्पोर का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना स्पोरोफाइटिक स्टेज कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर आपको जो इस कलर से शो किया हुआ है, ये जो कलर हमने यहाँ पर दिखाया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज शो कर रहा है, और ऊपर की तरफ जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी इवेंट है उसको हम गैमेटोफाइटिक स्टेज कहेंगे। गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो ऑलवेज हैप्लोइड होती है, वो N से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि स्पोरोफाइटिक कंडीशन ऑलवेज 2N मतलब डिप्लोइड होती है। तो आप कह सकते हैं कि स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होता है वो 2N से हम लोग इंडिकेट करेंगे, और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है उसको हमने इंडिकेट किया N से। यहाँ मैं लिख के दे देता हूँ गैमेटोफाइट, आपको याद रहे। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज मतलब गैमेट बनाने वाला स्टेज और स्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्टेज को अल्टरनेटिव वे में फॉर्म करते रहते हैं, और इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, वो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अगर आपको ये सारे रिप्रोडक्शंस याद रहेंगे ब्रायोफाइट्स एल्गी टेरिडोफाइट्स के, तो डेफिनेटली वो भी उसी की समरी है। तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म होने आया है, नेक्स्ट स्लाइड और उसके बाद एग्जांपल्स, और फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। थोड़ा लंबा लेक्चर चला क्योंकि टेरिडोफाइट्स को एक साथ ही फिनिश करना ज़रूरी था। चलिए अब बात आती है होमोस्पोरस एंड दी हेटरोस्पोरस, वो क्या है। तो जैसे हमने समझा कि ये प्लांट स्पोर बनाते हैं और वही स्पोर सीड्स की तरह एक्ट करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट को फॉर्म करते हैं। तो ये जो स्पोर्स है, अगर सारे स्पोर्स प्लांट सिमिलर काइंड के सिमिलर शेप के सिमिलर साइज के बनाता है तो हम ऐसे स्पोर को होमोस्पोरस कहेंगे, जिसका मतलब है सारे स्पोर एक शेप के हैं। ये जो होमो है उसका मतलब होता है सिमिलर, तो ऐसे स्पोर्स जो सिमिलर है, प्लांट सारे के सारे स्पोर एक जैसे शेप और साइज के बना रहा है। होमोस्पोरस जो भी स्पीशीज है उसमें से जब ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो उनसे जो प्लांट्स फॉर्म होते हैं वो सिंगल प्लांट के अंदर मेल भी होता है और उसी सिंगल प्लांट में फीमेल भी प्रेजेंट होती है, मतलब ये जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन को हमें सजेस्ट करके दे रहा है, अर्थवर्म की तरह एक ही बॉडी में ओवरी भी और उसी बॉडी में टेस्टिकल्स भी हैं।
तो होमोस्पोरस मतलब एक जैसे शेप और साइज के स्पोर बनाने वाले जो भी प्लांट स्पीशीज है टेरिडोफाइट्स में, उनके स्पोर से जब भी नए प्लांट या बॉडी फॉर्म होती है उसी सेम प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, उसी सेम प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी फॉर्म होता है। पर कुछ प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स के जो थोड़े इवोल्यूट हुए और उन्होंने एक ही प्लांट से दो दो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स को फॉर्म करना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि फीमेल जो बॉडी होती है वही स्पोर प्रोडक्शन कर सकती है। तो हेट्रोस्पोरस यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। तो मेल बॉडी से जब स्पर्म सेल्स या एंथ्रोसोइट्स फीमेल बॉडी में जाते हैं तो फीमेल फ्यूजन के जरिए जाइगोट और फिर जाइगोट से पूरा प्लांट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और फिर लास्ट में स्पोर्स बनते हैं। और ये जो फीमेल प्लांट स्ट्रक्चर है वो दो तरीके के स्पोर बनाती है, मैक्रो मतलब लार्ज स्पोर्स जिसको हम लोग मेगा स्पोर्स भी कह सकते हैं, जो ये रहे ये आपको जो दिखा है वो मेगा स्पोर्स है। मेगा स्पोर्स जब प्लांट से डिटेच होते हैं और जर्मिनेट होते हैं तो मेगा स्पोर्स से फीमेल प्लांट फॉर्म होता है, याद रखिए। जबकि यहाँ पर दूसरे किस्म के भी स्पोर्स है जिसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, मतलब कि छोटा। अब वो कहाँ है, तो ये रहे अपने माइक्रोस्पोर्स, साइज में छोटे इसलिए माइक्रो वर्ड यूज किया है, और वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और वो साइज में छोटे भी है। तो देखिए वो कहाँ है, वो ये रहे, ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो माइक्रोस्पोर्स जब डिटेच होते हैं प्लांट से और जब वो जर्मिनेट होते हैं तो उनसे फॉर्म होता है मेल प्लांट, और जनरली हम उसको मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं क्योंकि आगे चल के वो प्लांट स्ट्रक्चर गैमेट्स बनाने वाला है। तो ये आप लोगों ने वैरायटी देखी स्पोर्स के अंदर कि हेट्रोस्पोरस किस्म की जो स्पीशीज होती है जैसे कि शेलाजिनेला एंड साल्विनिया, वो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाती है, बड़ा जिसको मेगास्पोर कहते हैं और छोटा जिसको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये रहे माइक्रोस्पोर्स और ये रहे मेगास्पोर्स। तो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है हेटरोस्पोरस। हेटरो मतलब जो अलग अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्पोर्स बनाने वाला, दो टाइप्स के स्पोर बना रहा है, इसलिए हमने वर्ड हेटरो यूज किया। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, और मैंने आपको बताया है कि यही स्पोर्स सीड्स की तरह काम करते हैं और जर्मिनेट होने पर नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के पहले की लास्ट स्लाइड, उसके बाद जस्ट एग्जाम्पल बचेंगे। ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ को रिपीट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एन एग्जाम्पल मेल जो है उसका काम तो सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है, और स्पर्म जैसे ही फीमेल बॉडी में एंटर हो जाता है तो उससे जाइगोट बनता है, और फिर फीमेल बॉडी ही होती है जो इस तरीके से रूट्स का फॉर्मेशन करती है, फिर स्टेम प्रोडक्शन करती है और फिर लीव्स का प्रोडक्शन करती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है ये सब कुछ फॉर्म जो होता है वो कहाँ होगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स में ही। तो फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है जो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, और वही हो सकता है ना डेफिनेटली, क्योंकि स्पर्म्स जाते कहाँ हैं, फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये जाइगोट भी बना कहाँ, फीमेल प्लांट के अंदर। तो फीमेल प्लांट में ही ये वाली चीज़ें बन पाएगी, रूट्स, स्टेम और ये लीफ, और ये सब कुछ डेवलप जो होगा वो, और स्पोर जो आगे बनाएगी वो भी इवन फीमेल बॉडी ही बनाएगी। ये सब कुछ फीमेल बॉडी में होगा, मेल जो है उसमें कुछ भी नहीं होगा, मेल तो सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन में रह जाएगा, ये वाली पोजीशन में, ना उसमें लीव्स फॉर्म होगे ना स्टेम फॉर्म होगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे मेल और फीमेल प्लांट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर प्लांट स्पीशीज हेट्रोस्पोरस है तो होमोस्पोरस होगी तो सेम प्लांट स्ट्रक्चर पे मेल मतलब कि एंथेरिडियम भी होगा और उसी प्लांट में आर्कियोगोनियम भी होगा, तब आप उसको मेल बॉडी भी कह सकते हैं, फीमेल बॉडी भी कह सकते हैं। तो वही बॉडी जो है वो आगे डेवलप होगी और फिर स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगी।
तो आप समझ चुके होंगे अब कि फीमेल ही बेबी प्रोडक्शन कर सकती है, इसलिए मेल और फीमेल अगर सेपरेटेड है टेरिडोफाइट्स में, तो वैसी स्पीशीज में जब भी स्पोर प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ता है या फिर जब जाइगोट प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद ये लीफ का बनना, स्टेम का बनना और रूट्स का बनना, ये सब कुछ फीमेल बॉडी में होगा, मेल में ये कुछ नहीं होगा। और फीमेल बॉडी ही आगे डेवलप होने के बाद स्पोर्स का प्रोडक्शन कर सकती है जो सीड की तरह एक्ट करते हैं। मेल नहीं बना पाएंगे, मेल गैमेटोफाइट ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ये वाला कि जाइगोट से लेके पूरा यंग एम्ब्रियो, मतलब कि ये स्पोर्स फॉर्मेशन सब कुछ फीमेल बॉडी के अंदर मतलब गैमेटोफाइट्स में होगा। कहते हैं कि इसी हैबिट कि फीमेल बॉडी में ही स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हैबिट एक्चुअल में इवोल्यूशन को शो कर रही है। कहा जाता है कि इसी हैबिट का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और ऐसे प्लांट का ग्रुप फॉर्म हुआ जिन्होंने सीड प्रोडक्शन शुरू किया। ध्यान रखें, टेरिडोफाइट सीड्स नहीं बनाते, इनका कहना है कि टेरिडोफाइट्स की ये जो हैबिट है, ये जो फीचर है वो ज़्यादा डेवलप हुआ और इसी से एक नए प्लांट स्पीशीज के ग्रुप का जन्म हुआ या बर्थ हुआ, जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जो इवोल्यूशन का मेन स्टेप है। टेरिडोफाइट्स में से कुछ ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूट हुए और जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट हो गए, ऐसा माना जाता है। तो इसी के साथ ये टेरिडोफाइट वाला टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म होगा, पर लास्ट स्लाइड से हम इसको ख़त्म करेंगे और वो ये है कि टेरिडोफाइट्स क्लासिफाइड किए जाते हैं क्लासेस के अंदर। टेरिडोफाइट्स के कुछ क्लासेसिस हैं, तो आपको यहाँ पर जो भी दिखा है वो सारे क्लासेसिस हैं, जिसमें देखिए सिलोपसीडा पी साइलेंट रहेगा, जिसका एग्जांपल है सिलोप्टम पी साइलेंट रहेगा। लाइकोपसीडा नाम के क्लास के एग्जांपल में आएगा शिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोपसीडा जिसके एग्जांपल में है इक्विसेटम। टेरिडोपसीडा जिसके एग्जांपल में है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम। टेरिस में भी पी साइलेंट है, ड्रायोप्टेरिस में भी पी साइलेंट है। तो ये हमने बात की टेरिडोफाइट्स जो है उसके क्लासेस। तो कौन कौन से क्लासेस है, देखिए चार क्लासेस है, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फिनोपसीडा एंड टेरिडोपसीडा। और उसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि कौन से क्लास में कौन कौन सी स्पीशीज इंक्लूडेड है। लाइक सिलोपसीडा में सिलोप्टम नाम की जो स्पीशीज है उसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ तक का हमारा जो भी टॉपिक था वो टेरिडोफाइट्स को लेकर था। टेरिडोफाइट्स हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और अगली बार हम जिम्नोस्पर्म को शुरू करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, बड़ा है, क्योंकि इसको कंटिन्यूस मैनर में ही समझाया जा सकता था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूस लेक्चर में रखा है। आपको भी इसको कंटिन्यूसली एक ही सिंगल लेक्चर में ही पढ़ना है। टेरिडोफाइट्स का रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। इवन इस चैप्टर में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबके रिप्रोडक्शन थोड़े डिफिकल्ट है। मैं आपको बता दूं, 11 साइंस में बहुत से चैप्टर है, हमारा सिलेबस काफ़ी लेंदी है। लेंदी ज़रूर है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी थोड़ी हार्ड होती है और नए नए वर्ड्स ऑलवेज चैप्टर्स में, नए नए टॉपिक्स में आते रहते हैं। पर बार बार पढ़ने पर, रिवाइज करने पर ये चीज़ डेफिनेटली दिमाग में घुस जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये चैप्टर एक सिंगल ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा दिमाग खुला रख के समझना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि बायोलॉजी तो रटने का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। इवन 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद भी काफ़ी लोग नीट के लिए इस चैप्टर के काफ़ी सारे डाउट्स मुझे पूछते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में दिमाग को खुला रखना पड़ता है। जैसे फिजिक्स में दिमाग को चलाना पड़ता है, वैसे बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर्स हैं जहां दिमाग खुला रखना पड़ेगा, और ये उनमें से ही एक है। टीचर के समझाने के बाद अगर आप गैप क्रिएट करेंगे मेमोराइज करने में, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि ये आप भूल जाएंगे। तो ये चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए, एक ही लेक्चर में इसको कम्प्लीट करिए। और बहुत से स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर जैसे ही शुरू होता है तो उनको लगता है कि हम गलती से बायोलॉजी में आ गए। फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत मज़े उनको लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है बायोलॉजी, और लगता है कि बहुत अच्छे फील्ड में आ चुके, अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सेकेंड चैप्टर में उनको लगता है कि बायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर थर्ड चैप्टर में उनको लगता है कि हम गलत सब्जेक्ट में आ गए हैं, हमसे बायोलॉजी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है। ये एक ही चैप्टर ऐसा है जो आपके दिमाग को हैंग करेगा, बाकी सारे चैप्टर्स भले लेंथी है, बड़े हैं, पर समझने में बहुत आसान है।
तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन से मुखरना नहीं होता। एक बार अगर मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। इसी मोटो को फॉलो करना है हमें और बायोलॉजी में मन लगाकर पढ़िए। डेफिनेटली बहुत अच्छे परसेंटेज आपके आप बिल्कुल अर्न कर पाएंगे और आपकी मनचाही फील्ड में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। तो एक ही मंत्र होता है सक्सेस का, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, बार बार रिवाइज करिए। बायो का तो एक ही नियम है, जितना रिवाइज करोगे उतना शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। भले ही आपको एकदम मस्त आ गया टेरिडोफाइट, अब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़िए। जितनी ज्यादा बार आपकी आंखों के सामने से कंटेंट निकलेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि ये कंटेंट लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में रहे। तो चलिए इसी के साथ टेरिडोफाइट नाम का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स के साथ।